बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू MG4 एक्साइट मॉडल व्हिच इज द बेस मॉडल ऑफ दिस कार। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। द प्राइस आई विल टेल एट द एंड, बुकिंग प्रोसीजर ऑल एट द एंड। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ MG4 एक्साइट मॉडल। अगेन आई विल से दैट दिस इज द बेस मॉडल ऑफ दिस कार। दिस इज द इंटीरियर ऑफ दिस कार। अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाते चलूँ, जो फ्रंट हेडलाइट है, जैसे कि मैंने बताया था प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है तो उसकी एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिल रही है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपका जो हुड है उसके ओपनिंग की ऑप्शन मिलती है। सबसे पहले जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी ज़बरदस्त स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील है, MG की लोगो लेबलिंग की गई है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल मिल रहे हैं, ये क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन है। राइट साइड पे आपको जो कंट्रोल मिल रहे हैं, मल्टीमीडिया की कंट्रोल्स की ऑप्शन है। एंड दिस इज द स्टार बटन, जहाँ से आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस, ये स्पोर्ट्स मोड पर आ गई है, कस्टम मोड एंड अदर मोड्स। यहाँ पे जो फ्रंट स्क्रीन है, इसमें आपको टाइम मिल रहा है, जैसे कि अभी आइडल खड़ी हुई है तो किलोमीटर पर आवर जीरो है। आप इसको रन करेंगे तो डिजिटल इसके अंदर सारा कंट्रोल आता है, जो कितने डोर्स ओपन है उसकी सारी ऑप्शन आपको देखने में मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाते चलें तो वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन मौजूद है इस गाड़ी के अंदर भी। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, काफ़ी ज़बरदस्त का गियर नॉब दिया गया है। इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक जो है हैंड ब्रेक की ऑप्शन मिलती है। आपको मैं वायरलेस चार्जिंग के बारे में बता चुका हूँ। जो इसका पैनल है काफ़ी ज़बरदस्त है, ब्लैक पियानो के अंदर इसको माउंट किया गया है। अगेन यहाँ पे दो बॉटल होल्डर्स भी मौजूद हैं जो कि कर्विंग के साथ आते हैं। इसके साथ साथ आपको ये ट्रे मिल रही है, जिसको आप स्लाइडिंग ट्रे कह सकते हैं, आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ साथ सेंटर कंसोल इस गाड़ी के अंदर भी मौजूद है, जिसके अंदर आपको मोर देन इनफ स्पेस मिलेगी। ऊपर आपको ये लेदर की कोटिंग की गई है। इसके अंदर आपको मैनुअल डिमिंग के साथ रियर व्यू मिरर मिल रहा है, आप इसको मैनुअली डिम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्लासेस होल्डर विद लाइट्स ऑप्शन। ऊपर आपको यहाँ पे माइक्रोफोन मिल रहा है, जो कि इसकी कॉल की क्वालिटी को इनहेंस करता है। इसके साथ साथ डैशबोर्ड की फील आपको दिखाते चलें। डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल और इसकी जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है आजकल आ रहा है, उस तरह का माउंट किया गया है। बीच में जो डोर पे डैशबोर्ड की पैनलिंग है वो सारी ब्लैक पियानो के अंदर की गई है। डैशबोर्ड के बारे में आपको दिखाते चलें, मोर देन इनफ स्पेस है विद द लाइट ऑफ वाइट। आपको यहाँ पे स्पेसिंग मिल रही है, आप अपना कोई भी लगेज या सामान वगैरह यहाँ पे भी रख सकते हैं छोटा मोटा। इसके साथ साथ जो ऊपर मिरर्स हैं, वैनिटी, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर्स भी मिल रही हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप देख सकते हैं वैनिटी मिरर्स के ऑप्शन भी मौजूद है। अब बात करेंगे जो इसकी LCD है, इसके अंदर क्या फीचर्स दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको AC कंट्रोल्स मिल रही हैं, इसके डिफॉगर मिल रहा है, हैज़र्ड बटन आपको मिल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर होम पर जाएंगे हम तो आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने की ऑप्शन मिलती है। इसके साथ साथ बैटरी के ऑप्शन सबसे पहले आपको दिखा दें, 97% अभी ये चार्ज है, ये कितना चलेगी, कितनी रेंज है इसकी, उसके बारे में आपको ऑप्शन मिलेगी। द मैक्सिमम रेंज इट इज शोइंग ऑन 97% इज 395 किलोमीटर ये चल सकती है। इसके अलावा आपको मैं बाकी कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। अगर आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बाकी कंट्रोल्स मिलेंगे। व्हीकल पे चले जाते हैं, यूज़र मैनुअल AC के कंट्रोल्स भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ड्राइविंग पे तो आप यहाँ से भी अपने ड्राइव मोड्स का एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक बटन है जिससे आप अपने ड्राइविंग मोड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कस्टम पे आ गया है, और हॉर्स पावर वगैरह आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, पैडल फोर्स, वो भी एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिलती है। MG पायलट जो कि इनका एक पर्सनल फीचर है, उसके बारे में बात कर ली जाए, वो सारे कंट्रोल आपको इसमें भी मिल रहे हैं। टोइंग मोड की ऑप्शन है, असिस्ट मोड है, अलर्ट सेंसिटिविटी है, वाइब्रेशन रिमाइंडर, सारा कुछ इस गाड़ी के अंदर भी मौजूद है। अगेन आपको बताते चलें, असिस्ट मोड भी एक्साइट और सेंस दोनों में मौजूद है। कन्वीनियंस के बारे में बताते चलूँ, AC ड्राइविंग मोड सारा कुछ है, ऑल डोर्स, अनलॉकिंग कीज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइटनिंग के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे ऑटो हाई बीम है, इसके साथ साथ जितनी भी लाइट्स के कंट्रोल है, अब विद इन दिस 9 इंचेस डिस्प्ले आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी में बारे में बात कर लीजिए तो आप यहाँ से इसको पावर ऑफ, ऑटो होल्ड पे भी ऑप्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फ्रंट लाइट्स की ऑप्शन मिल रही है और वाइपर्स की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती है। ये था इसका इंटीरियर का रिव्यू। बैक पे चलते हैं, बैक पे देखते हैं कितनी स्पेसिंग है। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट साइड, अगर आप इसकी लुक देखते चलें, काफ़ी एलिगेंट लुक है। जो फ्रंट हेडलैम्प है उसके अंदर आपको सिंगल हेडलैम्प मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिसकी बीम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें आपको DRL लैंप्स मिल रहे हैं, जो कि आपकी इसकी क्वालिटी है, वो उसकी लुक को इन्हेंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो एसेंस मॉडल है उसमें जो टर्न सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे माउंट किए गए हैं, मगर इसकी जो टर्न सिग्नल्स हैं वो लाइट के अंदर ही माउंट किए गए हैं। अगेन ये भी देखने में काफ़ी ज़बरदस्त और एलिगेंट लगते हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाते चलें, MG का लोगो फ्रंट पे काफ़ी लुकिंग के अंदर इसकी इन्हेंस कर रहा है। इसके साथ साथ टो का हब आपको देखने में मिल रहा है। फ्रंट जो एयर इनटेक की विंड्स हैं वो आपको बताते चलें कि यहाँ पे आपको फ्रंट पे सारा एयर इनटेक की विंड्स मिलती हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट पे ओवरऑल एयर इनटेक की विंड्स हैं, ये सारा ये स्ट्रॉन्ग फाइबर के अंदर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, जो फ्रंट हुड है उसके अंदर काफ़ी शार्प रेक्टर लाइंस दी जाती हैं।
आप देख सकते हैं जो बीच में है ये हुड दिया गया है उसमें काफी शार्प करेक्टर लाइंस है और साइड पे भी आपको करेक्टर लाइंस देखने की ऑप्शन मिलती है। इसके साथ साथ आपको पता चले कि फुल इलेक्ट्रिक कार है, इसके अंदर आपको टायर का कवर मिल रहा है जो कि इसकी लुक को एनहांस करता है। कॉन्टिनेंटल का टायर दिया जाता है। टायर साइज 215x50R17। इसके अंदर आपको 17 इंच का रिम मिल रहा है। रिम डिजाइन सेम है। इसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस का आपको पहले बता चुका हूँ। साइड प्रोफाइल अगर देखते चलें तो फुली यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फाइबर की कोटिंग वगैरह मिल रही है। डोर्स के नीचे काफी जबरदस्त पैनल की गार्निश मिलती है। अगेन फ्रॉम द साइड लुक अगर मैं बात करता चलूँ, आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको टर्न सिग्नल्स के साथ साथ साइड मिरर मिल रहा है, जिसके साथ साथ यहाँ पे आपको फुली ब्लैक कोटेड की इसके अंदर गार्निश मिलती है। इसके साथ साथ अगर मैं विंडोज की गार्निश के बारे में बात करता चलूँ, मैट के अंदर सारी गार्निश आती है। स्मार्ट कीलेस एंट्री आपको डोर हैंडल्स पे मौजूद मिलती है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर ली जाए, जबरदस्त कैरेक्टर लाइंस आती हैं यहाँ पे। अगर आप देखते चलिए बैक लाइट से स्टार्ट होते हुए जो बैक डोर है वहाँ पे एंड होती है। इसके साथ साथ फ्रंट जो पैनल है फ्रंट लाइट से स्टार्ट होते हुए बैक डोर तक एक कैरेक्टर लाइन मौजूद है। इसके साथ साथ रियर लुक के अगर बारे में बात कर ली जाए तो काफी एलिगेंट इसकी ये ब्रेक लैंप्स दिए गए हैं। ऊपर आपको 3D की पैनलिंग देखने की ऑप्शन मिलती है। इसके साथ साथ रियर लुक पे आते चलें, यहाँ पे आपको सिंपल स्पॉइलर मिल रहा है जो कि बेंड हुआ है। इसके साथ साथ ब्रेक लैंप्स की ऑप्शन मिल रही है। रियर व्यू आपको वाइपर मिलता है, काफी अच्छी चीज है। इसके साथ साथ MG4 इलेक्ट्रिक की ऑप्शन मिलती है। एक चीज जो आपको एक्साइट मॉडल में मिलेगी वो इसके पार्किंग सेंसर है। कंपनी इज ऑफरिंग पार्किंग सेंसर एट द बैक। रियर व्यू आपको इसमें कैमरा भी ऑप्शन मिल रही है। इसके साथ साथ अगर मैं रियर लुक के बारे में बात करता चलूँ, इसमें किसी किस्म की जो कमी है वो मौजूद नहीं है। दिस वॉज द रिव्यू फ्रॉम द आउटसाइड। लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ दिस कार। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव स्मार्ट कीलेस एंट्री। इसके साथ साथ डोर पैनल्स के बारे में बात करते चलें तो स्ट्रॉन्ग फाइबर का ऑप्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ जो पैनलिंग है वो सारी लेदर के अंदर दी जाती है। जो डोर की पैनल है वो ब्लैक पियानो के अंदर दिया गया है। लॉक अनलॉक की ऑप्शन आपको मिल रही है। इसके साथ साथ जो डोर हैंडल है वो सिल्वर के अंदर दिया गया है। चार पावर विंडोज के कंट्रोल, पावर लॉकिंग के कंट्रोल्स आपको मौजूद मिलते हैं। इसके साथ साथ सीट्स के बारे में बात कर ली जाए, मैनुअल आपको सीट एडजस्टमेंट मिल रही है, जिसके साथ साथ आपको फैब्रिक सीट इस गाड़ी के अंदर मौजूद मिलती है। अगेन जो एसेंस मॉडल है उसके अंदर आपको लेदर सीट्स विद फैब्रिक मिल रही है। अगर आप देखते चलें तो जो डोर पैनल है वो सारा स्ट्रॉन्ग फाइबर के अंदर आता है, उसके अंदर कार्बन फाइबर की भी फील दी गई है। एयर ब्लैक पियानो सिल्वर कंट्रोल। इसके साथ साथ बात करते चलें, पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है और टोटली इसके अंदर जो कोशिश की गई है दिस इज ऑन द लेदर, ब्लैक लेदर विद द ब्लू स्टिचिंग। इसके साथ साथ वन स्पीकर माउंट किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है जहाँ पे आप बॉटल रख सकती हैं एंड अपनी थोड़ी बहुत स्पेस रख सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। अगर बैक साइड पे स्पेसिंग के बारे में बात कर लूँ, अगेन मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी जो स्पेसिंग है काफ़ी ज़बरदस्त है। 3 adults आप यहाँ पे बिठा के इसको ड्राइव कर सकते हैं विथ 3 headrest एंड 3 seat belts। अगर आपको दिखाते चलें इसकी लेग रूम और हेड रूम की कैपेसिटी, तो मेरी हाइट 6 feet है ऑलमोस्ट और लेग रूम मोर देन इनफ है। इसके साथ साथ बात की जाए हेड रूम की तो काफ़ी हेड रूम अच्छा ये ऑफर कर रही है। पीछे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल रही है, USB-C टाइप पोर्ट इसमें आप USB लगा सकती हैं। इसके साथ साथ बात कर ली जाए इसकी बैक साइड पे जो एयर बैग्स हैं वो भी इस गाड़ी के अंदर साइड कर्टन्स में भी दिए गए हैं और फ्रंट हैंडल बार्स में भी दिए गए हैं। ज़बरदस्त चीज़ है कि इन्होंने सेफ्टी के ऊपर भी काम किया है। इसके साथ साथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर चाइल्ड एंकर्स भी मौजूद हैं। अब मेरे आप देख सकते हैं कि इतनी स्पेस मेरे साथ मौजूद है कि 2 adults लॉन्ग जर्नीस पर बैठ के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रंक के बारे में बात कर लीजिए, मैनुअल ट्रंक आता है इसके अंदर। अगर आप स्पेस देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस है। अब जो फ्रंट सीट्स हैं वो 2 पोर्शन में आती हैं, आप उनको फोल्ड भी कर सकते हैं। ट्रंक डिवाइडर भी मौजूद है, आप इसको रिमूव करना चाहें रिमूव भी कर सकते हैं। मैनुअल है ये भी। इसके साथ साथ आपको दिखाते चलूँ तो बैक पे आपको लाइट्स मिलती हैं। नीचे अगर बात कर ली जाए कि ट्रंक के नीचे क्या आता है, तो आपको प्रेशर किट मिल रही है। अगर आप लॉन्ग जर्नीज पे भी गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका टायर पंचर हो गया तो काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। इसके साथ साथ आपको इसका चार्जिंग करने के लिए चार्जर मिलता है, वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। ये इसका मैनुअल ट्रंक था। एंड पे करेंगे इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बात और बुकिंग टाइम के बारे में बात। एट डी एंड अगर बात कर ली जाए इसकी बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, 51 kW की इसकी बैटरी दी जाती है, 405 km इसकी रेंज है। इसकी प्राइस के बारे में बात कर ली जाए तो 1 crore 10 lakh इसकी प्राइस है। 3 to 4 months इसका बुकिंग टाइम है, आप इसको बुक करवा सकती हैं। इसके अलावा एडवांस कितना देना पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो 5 million का आपको एडवांस देना पड़ेगा और 3 to 4 months में आपको ये गाड़ी डिलीवर कर दी जाएगी। यहीं पर रिव्यू कैंड करेंगे। रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।